नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले अग्निवीर यानी कि अग्निवीर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अपने और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो इस फॉर्म को भरे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दिया क्या है, आज का पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि ए का 25% बराबर बी का 0.30 हो तो बी अनुपाते ए का मान बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसे हम आसानी से हल करना इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ए। अब यहाँ पर दिया है का मतलब होता है हमारे पास गुड़ा, यानी कि ए गुड़े 25%। उसके बाद दोस्तों देखिए, बराबर में बराबर बी का 0.30, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम बी गुड़े 0.30, क्योंकि का मतलब होता है गुड़ा, तो यहाँ पर भी हम गुड़ा का चिन्ह लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए गुड़े 25% क्या लिखेंगे, 1/4 या फिर 25/100। तो यहाँ से हो गया 25/100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का यानी कि मतलब होता है प्रति, यानी कि बटे में 100। उसके बाद बराबर यहाँ पर दोस्तों बी गुड़े 0.30, इसे हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 30/100, क्योंकि यहाँ पर दाहिनी तरफ से दो अंक बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो यानी कि हर में 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो गया हमारे पास ए गुड़े 25/100 बराबर बी गुड़े 30/100। अब 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि यह हमारे बराबर में दिया है। तो देखिए दोस्तों, बराबर में बराबर अगर सामान्य चिन्ह रहता है तो वह आसानी से कट जाता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर बचा हमारे पास ए गुड़े 25, ए गुड़े 25 बराबर में बी गुड़े 30। यहाँ से हो गया ए गुड़े 25 बराबर में बी गुड़े 30। अब देखिए दोस्तों, 5 हम इसे काट देंगे, 5 काटेंगे कितनी बार गया, यह गया 5 × 30 और यह हो गया 5 × 25, यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों 5a = 6b, यानी कि 5a = 6b। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास a बराबर हो जाएगा यहाँ से 6, क्योंकि a का मान 6 होगा और b का मान 5 होगा, यहाँ से a = 6 और b = 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है हमसे b = a, यानी कि b क्या हो गया 5 और a = 6, यानी कि 5/6 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपको हल करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो फिर चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, अगला प्रश्न हमें दिया है इकाई अंक ज्ञात करना। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया क्या है, सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है 482 × 928 × 423 × 536 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह के प्रश्नों को यानी कि इकाई अंक पूछा हो तो सिर्फ हम इकाई अंकों का ही गुणा लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कैसे आसानी से हल करना यानी कि जल्दी हल करना सीखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 482 × 928 × 423 × 536। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इकाई अंक क्या है, पहले संख्या में हमारा इकाई अंक 2 है और दूसरे में 8 है, इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे तो कितना हो गया, 8 × 2 = 16। अब इसका इकाई अंक कितना हुआ, 6 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे हम 3 के साथ, यानी कि इसके इकाई के अंक के साथ, तो यह कितना हो गया 36 = 18, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो गया 18। अभी इस 8 का गुणा हम कर देंगे 6 के साथ, तो देखिए दोस्तों 8 का गुणा 6 के साथ करेंगे कितना होगा,
यहाँ से हो गया हमारे पास 8 का गुणा 6 में कितना होगा 8 छंग 48। यानी कि दोस्तों हमारा टोटल यानी कि फाइनल हो गया 48। लेकिन इसका इकाई अंक हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो यही हमसे इस प्रश्न में पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग इकाई अंक निकालना आसानी से हल करना सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इकाई अंक हो गया 8, तो यही 8 हमारा इस प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा, यानी कि राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न भी आपके अग्निवीर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो पर यानी कि इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सीख लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस परीक्षा को देने वाले हैं, जिससे भी उन्हें भी इस तरह के प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत या फिर तकलीफ ना हो। धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।